Please like, comment, share and subscribe our Pasighat news. At the same time, please don't forget to turn on the notification bell icon also. Thank you. Today, while showing solidarity with the bereaved families of that 40 CRPF jawans who were killed in that attack, so you as a local MLA carrying out such a massive rally, so what you have to say on this? So the incident on 14th of February in Pulwama in Srinagar, it was very disheartened to know that the CRPF, they were killed by the terrorists. Very disheartening. And that's why, including the senior citizen, the student, the business community, they have come openly to participate to show the solidarity of the CRPF jawan. इसमें हम सब एक 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 साथ है और हम ये बताना चाहूँगा कि जो वो कुर्बानी दिया आज हम उसको याद करने का दिन है. उसका भी फैमिली था, उसका भी बीवी था, उसका भी बच्चा था, सबको छोड़कर हमारा देश के लिए वो गुजर गया. हम हमारा सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम उसको याद करें और जो गलती किया उसको एक कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए. वो हमारा सब एक नागरिक का एक विश्वास है. सरकार ये हमको सिटीजन को ये हमारा जो विशेष है ये कंप्लीट करेगा और हमको बिल्कुल आशा कर रहा है जी. और ये सेंट्रल में भी आपका बीजेपी सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, तो आपका स्टेट बीजेपी सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मैसेज ऐसा दिया जा सकता है जिससे ये जो मेन जो टेररिस्ट है उनको एक कड़ी सजा दी जाए? देखिए, ये एक पार्टी का बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो. यस, हम सब भारतीय है. यस, हम जैसे हमेशा बोलता है कि हम जय हिंद का नारा हम लगाते हैं, हम तो ये बोलना चाहेगा कि जय हिंद जय जवान को हम एक बुलंद लेकर हम कहना चाहूंगा कि उसमें ये पार्टीबाजी का बात नहीं. लेकिन हमारा एक विश्वास है मोदी सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठाएगा बोलकर हमको भी पूरा विश्वास है और उम्मीद है और ये आम जनता का एक फीलिंग है. और सर, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश जो सारा भारत में सबसे कॉर्नर में चाइना बॉर्डर में है, तो इसको तो बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा यहाँ पे देशभक्ति का मतलब बहुत सारा जज्बा है. तो मतलब एक एज ए अरुणाचली, नॉट एज ए MLA, लेकिन एज ए अरुणाचली, तो आपने अपना जज्बा दिखा दिया, तो और आपका तरफ से पार्टिकुलरली उस फैमिलीज को क्या मैसेज देंगे? देखिए, आप सही कहा, हम अरुणाचल प्रदेश एक कोना हिस्सा में है. हमारा प्रदेश 3 इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है. हम चाइना का साथ से जुड़ा हुआ है, भूटान से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है. हमारा ये सेंसिटिव स्टेट है. हमारा प्रदेश छोटा है लेकिन हमारा पूरा विश्वास है, हम अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है और हमारा तरफ से ये पूरा उम्मीद है, हमारा पूरा विश्वास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, नरेंद्र मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर का तरफ से, हमको जो हमारा विश्वास है सिटीजन को देगा बोलकर उम्मीद है. जो हमारा नौजवान जो 42 CRPF को जिसने अटैक करके जो सुसाइड बॉम्ब से जो उसका लाइफ उसका परिवार को सबको बर्बाद कर दिया, तो हमारा तरफ से हम ये ऑलमाइटी को हम ये प्रार्थना करना चाहूँगा जो हमारा जो CRPF जवान का परिवार उसका बीवी बच्चा लोग को अच्छा एक ब्लेसिंग दे और गवर्नमेंट का तरफ से भी जो भी सुविधा हो वो देना चाहिए बोलकर हमारे एक विश्वास है और उम्मीद भी. उसके बाद मैं आप सबको एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारा से जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. थैंक यू. सर